अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का देखा जाए तो इस सप्ताह पार्टनर से रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो मतभेद पार्टनर से चल रहे थे वो सॉल्व होने के योग नज़र आ रहे हैं। मित्रों के साथ में और पार्टनर के साथ में आप कोई पूजा पाठ, किसी तीर्थ यात्रा, किसी भजन सत्संग में आप जाने वाले हैं और पार्टनर को खुश करने के लिए आप उनको जमकर शॉपिंग भी कराने वाले हैं। एक तरफ आप पूजा पाठ भी जाएंगे पार्टनर को लेकर, या पार्टनर के कहने पे आप कहीं किसी धार्मिक गुरु के पास भी जाएंगे, तीर्थ यात्रा में भी जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टनर को खुश करने के लिए उनकी इच्छा भी मान लेंगे। हेल्थ के बारे में तुला राशि की बात करें तो गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। धन की बात करें तो धन में रोचक योग बन रहा है, यानी कि रुका हुआ धन तुला राशि को मिल सकता है। विदेश संबंधी कोई शुभ सूचना, धन संबंधी कोई शुभ सूचना, काम संबंधी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अचानक धन मिलने के आपके योग बन रहे हैं और अचानक ही आप धन कहीं पर इन्वेस्ट भी करने वाले हैं, प्रॉपर्टी पे, शेयर पे या मार्केट पे आप धन इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। अब बात करें करियर की, तो करियर के लिए ये सप्ताह सामान्य रहेगा। काम में आप बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह बिजीनेस वाला रहेगा। हाँ, थोड़े से सीनियर से हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं सीनियर से, और स्थिति देखा जाए तो कंट्रोल वाली ही रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके जॉब पे बना है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो पार्टनर के करियर या नौकरी में तनाव पार्टनर को रहने वाला है। यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप तो अच्छा है, पार्टनर को घूमने ले जाने वाले हैं, पार्टनर से मतभेद भी दूर होने वाले हैं, लेकिन पार्टनर के प्रोफेशन लाइफ में गड़बड़ी सप्ताह आ सकती है। नौकरी में तनाव आ सकता है, प्रेशर हो सकता है, किसी से कार्यस्थल में पार्टनर के मनमुटाव हो सकते हैं, याद रखिएगा। और इस वीकेंड में यानी सैटरडे संडे को आप पार्टनर के साथ में उसको घुमाने ले जा सकते हैं, मॉल या कुछ शॉपिंग करा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए देखा जाए तो पार्टनर के रिलेशन के लिए अच्छा है, लेकिन करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है।